सहरसा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। जी हां, जिले में आए दिन लूटपाट जैसी घटनाओं से जिले में आतंक मचा हुआ था। पुलिस के द्वारा भी लगातार लुटेरों की खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि भारी संख्या में अपराधी एक लॉज में इकट्ठा हुए हैं। जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो अपराधी भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर लूटपाट करने वाले 8 सदस्य को गिरफ्तार किया, जिसमें से 4 सदस्य सहरसा के रहने वाले हैं और 4 सदस्य सुपौल जिले के रहने वाले हैं, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। 2 बजे रात्रि में हम लोगों को सूचना मिली कि जो रंजीत सिंह लॉज के पास पश्चिम में बात पिछली है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में अपराधी जमा हुए हैं और कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं। घटना का सत्यापन करते हुए टाउन थाना अध्यक्ष सुधाकर, साथ में कुंवनी अविनाश कुमार, चंद्रजीत प्रभाकर एवं अन्य टाउन थाना के जो कर्मी थे उनके द्वारा रेड की गई। और बांसपट्टी में जब पुलिस पहुंची तो फिर वो लोग इधर उधर भागने लगे। खदेड़ करके 8 अपराधियों को पकड़ा गया है। 8ों का आपराधिक इतिहास है। 4 उसमें से सहरसा के हैं और 4 सुपौल के हैं, जिसमें मुख्य जो है वो है मोहम्मद हैदर टीपू सुल्तान, मोहम्मद माशूल, अभिषेक कुमार और 4 व्यक्ति जो हैं ज्योति कुमार, राजकिशोर साह, अजय कुमार और भवेश कुमार, ये सुपौल जिला के हैं। इनके पास से लूटी हुई उजली अपाचे जो करीब 8 तारीख को लूटा गया था वो बरामद किया गया है। एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 कारतूस और एक मोबाइल जो कि लूटा गया था 1 अप्रैल को। ये जो गैंग है ये इस तरीके की लूट और छिनते की घटनाओं को अंजाम देता है। 8 अपराधियों के जाने से इस तरीके की घटनाओं को